नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो कि हम कल अच्छे से आपको बताए थे, यानी कल जो वीडियो हमने बताया था कि आपको नंबर सिस्टम क्या होता है और किस लिए यूज किया जाता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम को। तो देखिए, नंबर सिस्टम तो हमें पता है कि नंबर सिस्टम जो होता है वो चार टाइप के होते हैं, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन इसको कैसे यूज किया जाता है, यानी किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, और इसका जो कन्वर्जन होता है कैसे काम करता है, और इसका रिजल्ट किस तरीके से चेक किया जाता है, और एक दूसरे से कंपेयर कैसे करते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक एक स्टेप को फॉलो कर कर दिखाएंगे, यानी अलग अलग आपको पार्ट में मिलता रहेगा। यानी सबसे पहले हम बाइनरी का दिखाएंगे, उसके बाद डेसिमल का, फिर उसके बाद ऑक्टल का या हेक्साडेसिमल का। लेकिन आपको एक एक स्टेप दिखाएंगे, हो सकता है आपको डेसिमल का पहले दिखा दें, या बाइनरी का बाद में दिखाएं, या ऑक्टल का बाद में दिखाएं, या बाइनरी का पहले दिखाएं। यानी आज की इस वीडियो में आपको सबसे फर्स्ट टाइम आपको डेसिमल का कन्वर्जन बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए कि जो हमारा कन्वर्जन होता है, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखना होगा। आपको पता ही होगा कि हम कल आपको अच्छे तरीके से बेस बता दिए थे, किस तरीके से बेस काम करता है और किस चीज़ का क्या बेस होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आप एक नोट ले लीजिए अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जो आपको हम बताएंगे वो चीज़ आप एक बार नोट कर लीजिएगा और उसका प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने बेस तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्या करते हैं कि आपको हम बताते हैं कि बेस के बाद हमारे पास आता है चार्ट। देखिए, चार्ट क्या होता है कि हर एक स्टेप का एक फार्मूला होता है, यानी इसको सॉल्व करने के लिए, तो हमारा चार्ट होता है। यानी ऑक्टल टू बाइनरी का चार्ट किस तरीके से होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, ऑक्टल टू बाइनरी का चार्ट होता है। अगर आपके कुछ भी वैल्यू आ गया इस तरीके से इसमें से, तो आप इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, उसका बाइनरी निकाल सकते हैं। और अगर आपको ऑक्टल निकालना हो तो आप ऑक्टल भी इजी तरीके से निकाल सकते हैं। इसका और भी बहुत सारे चार्ट हैं जो कि आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम दूसरा चार्ट है, ये है डेसिमल हेक्सा टू बाइनरी चार्ट। यानी इसमें क्या होगा कि जितने हैं सारे सेम होंगे, बस आपको इन दोनों में फोकस करना है। यानी क्या होता है कि हम आपको बताए थे कि जो डेसिमल और हेक्सा, ये दोनों का सेम कंपेयर होता है, बस कुछ चीज़ें चेंजेस होते हैं। यानी इसमें आपकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है। कौन सी वैल्यू, आगे हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाले हमारे पेज पे, आप देखिए यहाँ पे 8 हमारा लिखा हुआ है, 9 लिखा है, लेकिन देखिए 10 लिखा है इस साइड, लेकिन इस साइड देखिए ए लिखा हुआ है। हेक्सा में ए लिखा हुआ है और डेसिमल में 10 लिखा हुआ है। और ये जो हमारा चलता है कहाँ तक चलता है, 15 तक चलता है, जो कि 15 तक हमारा क्या होता है, यप होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि 10 के बाद हमारा ए चलता है, 11 का मतलब बी, 12 का मतलब सी, 13 का मतलब डी, और 14 का मतलब ई, और 15 का मतलब यप। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्जन, यानी कन्वर्जन क्या होता है कि एक तरीके से स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए जो आपका नंबर है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कन्वर्जन है। यहाँ पे देखिए ये जो हमने कन्वर्जन किया है, देखिए इसमें हमने कंप्लीट कन्वर्जन आपको बता दिए हैं, क्योंकि यही सारे इतने ही कन्वर्जन होते हैं नंबर सिस्टम में, जो कि कोई नहीं बताता है जल्दी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट पूरे कन्वर्जन को यानी इस सीरीज में तो हम केवल डेसिमल को सेट करेंगे, लेकिन आपको एक एक पार्ट में, आपको तीनों पार्ट में इजी तरीके से आपको जो कन्वर्जन है आपको मिल जाएगा। लेकिन आज इस पार्ट में हम डेसिमल को पूरा कंप्लीट कवर करेंगे, यानी डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, इसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कवर करने से आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि यहाँ पे देखिए, आपको अगर कन्वर्जन का वो रूल पता हो, रूल का मतलब ये आपको हमेशा याद रखना है,
10 को ए कहते हैं, 11 को बी। ये आपको कंपलसरी याद करना है, क्योंकि अगर आप ये चीज याद करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो अगर कहीं पे ए लिखा रहे और यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे 10 लिखा है, क्योंकि आगे जो हम बताएंगे अगर आपको याद रहेगा तो आप इजी तरीके से समझ सकते हैं कि क्या इसका मतलब होता है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जांपल होगा कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी, यानी अगर आपका क्वेश्चन दे दिया डेसिमल टू बाइनरी। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखिए आपका नंबर देगा, यानी इस पे आपका 21 लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, और नीचे देखिए आपका यहाँ पे पता चलता है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हमारा लिखा है 21, और यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है डेसिमल टू बाइनरी, यानी 21 हमारा डेसिमल है और निकालना क्या है बाइनरी। इस तरीके से क्वेश्चन मार्क दिया और यहाँ पे जो लिखा रहता है ए वाला बेस, इसी से पता चलता है कि हमें निकालना क्या है। अब देखिए इसमें स्टेप क्या होता है कि इसमें आपको जो हमारा 21 है उसमें क्या करना होगा कि आपको डिवीजन करना होता है। डिवीजन करने का ये फॉर्मेट होता है, आप चाहे जिस तरीके से कर लें, लेकिन आपको एक स्टेप पता होना चाहिए। अगर हमारा जो डिवीजन है अगर चला जाता है तो आपको पता होता है जीरो होता है, और नहीं जाता है तो 1 हो जाता है। ये स्टेप आपको पता होगा, तो उसी स्टेप से हम क्या करेंगे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में हमारा क्या होगा कि सबसे फर्स्ट में हमारा यहाँ पे 21 आएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसको हमें डिवीजन करना है 2 से। अगर हम क्या करते हैं इसको 2 से करेंगे, यानी इस वाले कॉलम में आपको 2 लिखना है लेफ्ट साइड, और इस वाले कॉलम में आपका जो बचेगा आपको कन्वर्जन लिखना है। यानी यहाँ पे देखिए हमने 2 लिखा, उसके बाद आपको क्या लिखना है कि यहाँ पे आपका जब अगर डिवीजन चली जाएगी तो उसके बाद जो रिजल्ट होगा इसमें आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे कितने बार जाएगा, और यहाँ पे आपका अगर डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10। यहाँ पे देखिए हो गया 10। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर हमारी भाग चली जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा 0, अगर नहीं जाएगा तो 1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारी भाग नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे देखिए 21 है और ये कितने बार गया, 2 बार गया, तो यहाँ पे हमारा 20 होता है। तो यहाँ पे नहीं गया तो यहाँ पे 1 प्लस कर लेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये हम क्या करेंगे, फिर से इसको 2 से डिवीजन करेंगे। ये तब तक काम करेंगे जब तक हमारा कंप्लीट ना हो जाए, यानी 0 जब तक ना आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, फिर से 2 से करते हैं 10 में डिवीजन। तो यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, यहाँ पे जाएगा 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 2 5 10। यहाँ पे देखिए हमारा इजी तरीके से चला गया तो यहाँ पे हो गया 0। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 2 से यहाँ पे डिवीजन करेंगे 5 में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 2 4, और यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 5। देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से फिर डिवीजन करेंगे 2 में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 2, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब इसको किस तरीके से सही किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। जब भी हमारा बाइनरी लिखा जाता है वो हमेशा नीचे से लेके ऊपर तक लिखा जाता है। नीचे से मतलब आपको यहाँ से लेना है, यानी 1 0 1 0 1, इस तरीके से। यानी लिखने का तरीका ये है, यानी आपको सबसे पहले 1 लिखना है, फिर 0 लिखना है, यानी इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है। जब आप इतना लिख लेंगे तो आपको क्या करना है कि आपको एक जगह पे पूरे इन सब को सीरियल वाइज लिख लेना है, जैसे कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करिए, उसके बाद अब देखिए जो इसके अंदर आपको बाइनरी लिखना है यही आंसर आएगा बाइनरी का। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे हमारा पहले 1 है तो यहाँ पे देखिए हम 1 कर लेते हैं, फिर 0 है तो हम यहाँ पे 0 कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे 1 है फिर 1 कर लेंगे, फिर 0 है फिर 0 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 1 है 1 लिख लेंगे। इस तरीके से हमारा क्या है कि 21 का बाइनरी हमारा निकल गया। फिर इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे इस तरीके से आप आंसर दिखा दीजिए। तो ये हमारा निकल गया 21 का बाइनरी। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक कर सकते हैं, इसका 2 ऑप्शन है। पहले आपको हम एक पहला विधि बताते हैं, उसके बाद हम दूसरा विधि बताते हैं, यानी आंसर इसका चेक करते हैं कि 21 का ये सही में बाइनरी इतना होता है या नहीं।
तो आपको याद रखना है कि जो हमारा 2 का बाइनरी होता है और 1 का होता है, आपको इस तरीके से याद रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आंसर चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि कुछ इस स्टेप को इस तरीके से फॉलो करना है। तो पहला हमारा स्टेप होगा कुछ इस तरीके से। देखिए ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा आपको क्लियर बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है, ये इस तरीके से हम आंसर को चेक करते हैं। आंसर चेक करने का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहला काम होता है कि आपका यहाँ पे आपको क्या रखना है याद, कि जितने हमने बाइनरी नंबर लिखा हुआ है इसको सबसे पहले आपको काउंट करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको चेक करने का एक ही मतलब फार्मूला होता है, और भी एक आगे आपको डेसिमल और ऑक्टल का बताएंगे, उसका किस तरीके से फार्मूला होता है, आपको दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। यानी अगर आपसे बाइनरी पूछा जाएगा तो बाइनरी में जो फार्मूला चेक होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, यानी आपको राइट साइड से लिखना है 0, यानी 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है ऊपर, फिर 2 लिखना है, फिर उसके बाद 3 आपको लिखना है, फिर आपको यहाँ पे 4 लिखना है। देखिए इस तरीके से आपको आंसर चेक किया जाता है। अब इसको इतने करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है कि जितने वैल्यू आपकी दी है उन सब में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 4 से, यानी जो हमारा बाइनरी है इस तरीके से आपको निकालना है। सबसे पहले आप क्या करिए कि राइट साइड से आप इसको निकालते रहिए। देखिए हमने इसमें किया क्या है, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, हमने लिखा है 0, यानी 2 के पावर 0, उसके बाद हमने यहाँ पे इनटू मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाया और उसके बाद लिखा है 1। ये क्यों लिखा हुआ है ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 1 है, तो यहाँ पे देखिए हमने 1 लिखा हुआ है और इनटू 2 और 2 के पावर 0, यानी हमें कितने से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 से। क्यों? क्योंकि ये देखिए हमारा बाइनरी है, इसलिए हमें 2 से मल्टीप्लिकेशन सब में करना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा जैसे देखिए यहाँ पे जो आपका 0 रहेगा वो कभी आपका यानी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाले में हमारा 0 है और इस वाले में हमारा 0 है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों हमारा क्यों होंगे कि ये दोनों हमारा मल्टीप्लिकेशन काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए थे कि जहाँ पे अगर 0 है तो उसका डिवीजन नहीं किया जाता है, यानी इसमें 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन बस आपको स्टेप को फॉलो करना है, बस देखते रहिए कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो हमारा 0 है और जहाँ जहाँ पे आपका 0 की वैल्यू है उसको आपको नहीं लेना है। ये 0 इसमें हमने कहाँ से लिखा है, देखिए यहाँ पे 1 0 यहाँ पे लिखा है और 1 0 यहाँ पे लिखा है। तो आपको क्या करना है कि पहले इस तरीके से पूरा कंप्लीट लिख लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 फिर 0 1 फिर 0 फिर 1, देखिए 1 0 1 0 1, देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से अगर आप देखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटू 2 के पावर 4। अब देखिए यहाँ पे इंटू 1 2 के पावर 4 कहाँ से आ गया, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए 1 के पावर 4। आपको पहले ये चीज़ सेट कर लेना है कि हमारा कहाँ तक डिजिट आ रहा है। अगर ये और बड़ा है तो आपको 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आपको क्या करना है लिख लेना है। अब हम यहाँ पे किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम फॉलो करेंगे, फिर आपको क्या करना है कि इसको ऐड करेंगे, यानी पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर अगली वैल्यू ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस तरीके से वैल्यू आएगी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हमने देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, यानी यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमारे इसके पावर कितने 4 है, तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम हो जाएगा, 2 का 4 टाइम हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी हमें कितने बार 2 को लिखना है, 4 टाइम्स लिखना है, यानी ऊपर जो जितना बार लिखा रहेगा उतने बार आपको 2 यानी 2 आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे इजी तरीके से तो आपको मल्टीप्लिकेशन आता भी होगा, तो इसमें इजी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है प्लस, प्लस करने के बाद आपको यहाँ पे फिर अगला स्टेप चेक करना है कि कहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे देखिए अगला स्टेप यहाँ पे 2 के पावर 2, यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 बार 2 लिखना है, यानी मल्टीप्लिकेशन आपको 2 बार करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 बार किया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला हमारा 0 है, लेकिन इसमें देखिए हमारा मल्टीप्लिकेशन है लेकिन ऊपर के पावर 1 है। तो
अगर हमारा उसके पावर 1 है तो आपको सेम वही वैल्यू आपकी लिखा जाएगी, यानी देखिए हमारा 2 लिखा गया। उसके बाद आपको करना है प्लस, उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 वाला नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर 1 दिया है यानी जो वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा वो वैल्यू आपको इसके अंदर आपको लिख लेना है। उसके बाद लिखने के बाद अब आपको इन सबको एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, प्लस कर लेना है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें क्या करना है इसको चेक कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी यहाँ तक 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, उसके बाद आपका आ जाएगा 16। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको आता होगा मल्टीप्लीकेशन तो आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर पे आ गया 16। उसके बाद देखिए हमारा 4 कहाँ से आया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4। देखिए यहाँ पे 2 2 जा हमारा 4 आ गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारा 16 और 4 यहाँ पे हो गया 20 और प्लस 1, यानी हमारा इजी तरीके से इसका आंसर कितना आ गया, 21 आ गया। यानी इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इसका आंसर को चेक कर सकते हैं कि यानी 21 का जो बाउंड्री होता है यही होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने मल्टीप्लीकेशन कर यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट हमारा 21 आ गया, यानी कि ये हमारा आंसर सही है, यानी ये हमारी बाउंड्री सही है। चलिए आपको एक विधि और बताते हैं कि किस तरीके से अगर आप कंप्यूटर पे ही बना रहे हैं तो आपको क्या करना है कि विंडो प्लस आर प्रेस करना है, यानी जो हमारा रन कमांड होता है, और इसमें आपको कैलसी टाइप करना है और ओपन कर देना है। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारे यहाँ पे इजी तरीके से कैलकुलेटर ओपन हो गया है। अब देखिए अगर एक किस तरीके से आया है, अगर नहीं आया है तो आप क्या करिए यहाँ पे 3 डॉट पे जाइए ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखा है प्रोग्रामर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अगर आप यहाँ पे प्रोग्रामर पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से आपका जो बाउंड्री नंबर का कन नंबर सिस्टम का होगा पूरे इजी तरीके से आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसमें आपको किस तरीके से यूज करना है, जैसे हमें सबसे पहले डेसिमल का निकालना है तो आपको डेसिमल वाले पे एक बार क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि डेसिमल का नंबर टाइप करना है। नंबर हमारा था 21 तो आपको लिखना है 21। अब देखिए हमने जैसे 21 लिखा तो यहाँ पे दे दिया कि इसका बाउंड्री कितना होता है। देखिए इसका बाउंड्री होता है 0001 0101, यानी यहाँ पे आगे जो 00 लिखा है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 1 से काउंट करना है, तो यानी 10101। देखिए आपका रिजल्ट जो आया है वही आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं 10101। देखिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इसको चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तक पहला कन्वर्जन स्टार्ट समझ में आ गया होगा, डेसिमल टू बाउंड्री। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में कि जो हमारा नेक्स्ट आता है यानी डेसिमल टू ऑक्टल, इसको हम अगर इस वीडियो में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम अगला कन्वर्जन देखते हैं डेसिमल का। अगला हमारा कन्वर्जन आता है डेसिमल टू ऑक्टल। बस आपको देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने लिखा है 41 और इसका क्या है दिया है डेसिमल और निकालना क्या ऑक्टल। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे दिया है ऑक्टल, तो आपको ऑक्टल निकालने के लिए आपको 8 से क्या करना होगा कि भाग देना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेप वही रहेगा, बस आपको तरीका लगाना है कि किस तरीके से इसका मतलब कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना है, 41 लिखना है। उसके बाद 8 से अगर हम भाग देंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 8 जाएगा 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका जो शेष बचेगा यहाँ पे हो जाएगा 1। यानी आप जैसा कि देख सकते हैं अगर हम इसको क्या करते हैं कि अगर आप इजी तरीके से मल्टीप्लीकेशन करना जानते होंगे तो आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये 5 कैसे आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 5 40, यानी इस तरीके से 8 5 40 हमारा 5 बार जाएगा और हमारा 1 यहाँ पे बच रहा है। तो 1 जब यहाँ पे हम लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 41 हो जाएगा, यानी आपका जो यहाँ पे आंसर है ये आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 8 5 40 और 1 41, यानी इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे कन्वर्जन दिया है फिर आपको इसी कन्वर्जन को बस एक बार आपको लिख लेना है, इसके आगे आपको नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि अब इसके आगे जाएगा ही नहीं भाग, तो इसके बाद आपको यहीं तक लिख लेना है। इसको भी लिखने का तरीका सेम होता है, नीचे से लिखते हैं और ऊपर वाला काउंट कर लेते हैं। यानी आपको इसका आंसर अगर चेक करना है तो इसका आंसर आएगा 51। कैसे, यहाँ पे देखिए लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 1,
बस आपको इसी चीज को क्या कर देना, उतार देना है। तो इसको अगर आप उतारेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 51। यानी इसका कितना आ जाएगा, 41 का ऑक्टल अगर निकालते हैं, सॉरी डेसिमल निकालते हैं, तो इसका ऑक्टल कितना हो जाएगा, 51 आ जाएगा। ये कैसे आया, चलिए आंसर को चेक करते हैं। तो आंसर चेक करने के लिए आपको कुछ स्टेप को इसको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वही स्टेप है, बस हमने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे देखिए जो 101 था उसके जगह पे हमने देखिए 5 लिया है, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कितना से किया है, 8 से किया, क्योंकि हमारा क्या है ऑक्टल है यानी 8 है, तो यहाँ से हमने 8 से मल्टीप्लीकेशन किया है 5 में। और स्टेप देखिए वही है, 01 आपको हमेशा याद रखना है, 0 और 1 देखिए सब पे लगाकर चेक कर लेना। देखिए हमने यहाँ पे 0 लगाया, 1 लगाया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे भी देखिए 1 में मल्टीप्लीकेशन किया है 8 में, तो इसका अगर आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 × 5 = 40। यानी आपको इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप सबसे पहले इसको अलग अलग कर लीजिए, सबसे पहले हमारा कन्वर्जन चलेगा, 8 का हमें 5 में करना है प्लस उसके बाद 1 का 1 में, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, 8 × 5 = 40, और ये 1 × 1 = 1, 1 × 2 का 1 हो जाएगा आपका 41। यहाँ पे देखिए आपका 41 आंसर आ गया। यानी कि ये जो 41 का मतलब हमें निकालना है डेसिमल से ऑक्टल, इसका होता है 51। और इसका रिजल्ट चेक करने के लिए आपको ये विधि को क्या करना है, फॉलो करना है। जैसा कि देखिए हमारा 41 आ गया, यानी हमारा ये सही है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आप इसका रिजल्ट चेक करना चाहते हैं अपने जो हमारे पास कैलकुलेटर है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, लिखते हैं विंडो आर और कैलसी ओपन करते हैं, और कैलसी ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल वाले पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 41। जैसे हमने 41 लिखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हमें निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है ऑक्टल। तो यहाँ पे देखिए ऑक्टल हमारा 51 आ गया है, यानी ये हमारा आंसर सही है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसका रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फिर जो हमारा अगला होता है, देखते हैं रिजल्ट। तो यहाँ पे अगला चेक करते हैं, अगला हमारा आता है और डेसिमल टू हेक्सा। डेसिमल टू हेक्सा किस तरीके से निकालते हैं, जैसे हमारे पास एक वैल्यू है 35, ये हमारा डेसिमल है और इसका निकालना है हेक्सा। आपको बस बेस याद रखना है कि हम क्या किस बेस से क्या निकाल रहे हैं, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमें देखिए हमारा यहाँ पे 16 है, तो हमें क्या करना है कि किस तरीके से निकालना है। सबसे पहले आपको लिखना है 35, और उसके बाद यहाँ पे अब आपको थोड़ा से ध्यान से लगाना होगा। यहाँ पे देखिए आपको हेक्सा दिया है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों नहीं होइएगा, क्योंकि ये थोड़ा से चेंजेस हो जाता है इसमें। देखिए आपको इसको भी इसी से हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना होता है, यानी इसमें भी हम क्या करते हैं वही सेम स्टेप भाग देते हैं। 16 से हम देंगे यहाँ पे 35 में, तो ये कितने जाएगा, 16 × 32, यानी आपका 2 times जाएगा। और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, अगर आप 16 × 32 हमारा जो बचता है, यानी इसमें आपका 3 अगर आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 35। तो यहाँ पे जो वैल्यू आप इसमें ऐड करेंगे आपको राइट साइड आपको लिख लेना है। तो 3 हमने ऐड किया तो हो गया 35, यानी इसका जो रिजल्ट है आपका हो जाएगा 2 और 3। यानी अगर आप 35 का रिजल्ट देखेंगे तो 23 होता है इसका, अगर हेक्सा निकालेंगे। इसको किस तरीके से करना है, चलिए आंसर को चेक करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 2, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 3, ये हमारा क्या है 35 का हेक्सा है। चलिए इसको हम आंसर चेक करते हैं। सबसे पहले हम आंसर चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस सेम वही मेथड है, सेम बिल्कुल। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, समझिए इसको 0 लिखिए और इसको 1 लिखिए, देखिए सेम विधि वही हमने लिखा हुआ है। बस इसमें आपका जो 10 था, अरे सॉरी यहाँ पे 8 था और 2 था, देखिए वहाँ पे हमने 16 लिखा हुआ है, और सेम विधि वही है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से वही मल्टीप्लीकेशन करना है 16 का 2 में और 16 का 3 में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये तो नहीं जाएगा लेकिन ये वाला जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 16 × 32, यानी इसका कन्वर्जन अगर आप करेंगे यानी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 × 32, और उसके बाद ये 3 प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। जब यहाँ पे 0 होता है तो ये वैल्यू बस क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे जब वैल्यू ऐड हो जाएगी तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट आ गया 35।
यानी अगर आप इसको पहले इस तरीके से निकालिए, उसके बाद रिजल्ट इस तरीके से आप चेक कर लीजिए। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको आपको कैलकुलेटर पे दिखाते हैं कि इसका रिजल्ट सही में यही आ रहा है, क्योंकि हमने इसको अच्छे तरीके से चेक करके ही बनाया, लेकिन आपको क्लियर यहीं पे कर दे। तो यहाँ पे देखिए हमारा 35 लिखा है, इसका निकालना है क्या, इसका निकालना है हेक्सा डेसिमल और यहाँ पे डेसिमल है। तो चलिए यहाँ पे विंडो आर प्रेस कर आपको पहले दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, डेसिमल पे क्लिक करना है, हमारा डेसिमल कितना है 35 है। तो देखिए हमने 35 जैसे क्लिक किया तो इसका हेक्सा कितना दे दिया, 23 दे दिया। ऊपर देखिए यहाँ पे 23 दे दिया, यानी जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा रिजल्ट सही है, यानी हमारा 35 आ जा रहा है और इसका जो रिजल्ट है 23 आ जा रहा है। तो ये आपको यहाँ तक ये कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा, डेसिमल टू बाइनरी या डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा। तो इतना आपको अगर कन्वर्जन समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने इसको आगे इसलिए नहीं बताया क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रही है और आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इस वीडियो को हम इसको यानी अगला जो हमारा कन्वर्जन है उसको देखेंगे। लेकिन इस वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं और इसके बाद अगला आपको मिल जाएगा जो अगला हमारा वीडियो होगा। तो आपको हम तुरंत कम्युनिटी टैब में डाल देंगे कि कब आपको कितने टाइम पे मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एक कन्वर्जन करते हैं। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत लगेगी हमारे इस वीडियो में तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं ऑन किए हैं तो ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जितने हम आपको पार्ट बताएंगे सारे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर और नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।